सब्सक्राइब करिए टेक्निकल फ्रेंड आर और इस बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने तो HDR डिस्प्ले और HDR टीवी के बारे में सुना ही होगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि HDR टीवी क्या है और एक नॉर्मल डिस्प्ले और एक HDR डिस्प्ले के बीच क्या डिफरेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपको टेक्निकल फ्रेंड में स्वागत करता हूँ। HDR का फुल फॉर्म है हाई डायनामिक रेंज। तो अगर आप HDR के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दिया है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया था। तो चलिए बात करते हैं HDR डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, हम सबसे अच्छे कैमरा को बचपन से यूज करते हैं और वो हमारी आंखें हैं। हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जो भी डिस्प्ले यूज करते हैं वो हमें कभी रियल जैसी व्यू नहीं दे पाती, हमें कभी लाइव जैसी नहीं लगती। कैमरा तो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, मगर जो डिस्प्ले है वो हमें उतनी हाई क्वालिटी की वीडियो नहीं दिखा पाते कि हमें लगे कि ये सब असली है। तो यहाँ पे आता है HDR। दोस्तों, अगर आपको किसी वीडियो या फोटो में प्रॉपर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो मिल रहा है, यानी कि उस पिक्चर में आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे HDR इफेक्ट की यूज हुआ है। कैमरा तो बहुत सालों से अच्छी क्वालिटी के फोटो वीडियो ले रहे थे, मगर उनको सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले अभी तक नहीं बनी थी। लेकिन अभी आपको बहुत सारे मोबाइल पे HDR डिस्प्ले मिल जाएंगे, इवन आपको टीवी पे भी 4K HDR मिल जाएगा। जो कलर्स हैं, ब्राइटनेस है, वो कमाल के होंगे। नॉर्मली हम 8 बिट कलर को यूज नहीं करते, पर यहाँ पे 10 बिट या 12 बिट को यूज करते हैं। दोस्तों, ये डिस्प्ले अच्छा तो है, मगर आप अगर इसमें HDR कंटेंट्स यूज करेंगे तो ये आपको दीवाना कर देगा। तो दोस्तों, अभी तो सब लोगों के पास HDR टीवी या HDR डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, मगर हो सकता है कि आने वाले सालों में यह हर एक के पास अवेलेबल हो और हम सब मिलके आसानी से लाइव लाइक वीडियो के मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज इसी तरह टेक वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।